आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर गन्ना खरीद, मूल चीनी मिल का बकाया और बेमौसम बरसात में दागी हुई गेहूं को खरीदने समेत विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। इसी दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए हरीश रावत ने हाल ही में सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा सड़क पर युवक की पिटाई के मामले में कहा कि बेहद दुर्भाग्यजनक है। सत्ता के दम पर पीड़ित को थाने में बंद तो करा सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज को नहीं दबा सकते। इस घटना से पूरा राज्य आहत है। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़कों पर है और पीड़ित के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत के चुनाव लड़ने वाले सवाल पर कहा, मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। 9 तारीख को इकबालपुर चीनी मिल के सामने, बल्कि चीनी मिल के अंदर ही सामने कांग्रेस जन, बल्कि हम चाहते हैं उसमें किसान सम्मिलित हों, किसान संगठन सम्मिलित हों, सभी जनवादी संगठन सम्मिलित हों। किसानों का जो लगभग 200 करोड़ रुपया इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया है, उसके भुगतान की मांग को लेकर के, और गन्ना किसानों को बोनस दिए जाने की मांग को लेकर के वहाँ पर 24 घंटे का धरना होगा।